नमस्कार, मैं दिलीप यादव न्यूज एट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, गोरेगांव के एग्जीबिशन सेंटर में खड़ा हूं मैं, और यहां घर में उपयोग आने वाली सारी वस्तुएं मौजूद हैं। जो जहां मैं खड़ा हूं, ये कंपनी है सनटेक। सनटेक कंपनी क्या क्या बनाती है और ये घर में उपयोग आने वाली कितनी वस्तुएं बनाती है, इस बारे में जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, आई एम गुड। हम डायरेक्टर हैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज़। हमारे ब्रांड्स हैं सनटेक्स, सूर्या ग्रीन, सेफ फ्लेम, फॉर्चूनर। हम लोग 40 साल से इस लाइन में हैं और हम लोगों ने अपनी कमिटमेंट और वैल्यूज़ जो हैं वो कभी नहीं छोड़ी। मार्केट में बहुत तरह के चूल्हे आते हैं जो साल भर चलते हैं, हमारे चूल्हे 15 साल से पहले कभी ख़राब नहीं होते। जैसा मैं देख रहा हूँ, यहाँ चूल्हे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर में उपयोग आती है, और घर में उपयोग आने वाली चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रहती है। सर, ये एक बार दर्शकों को बताइए कि घर में उपयोग आने वाली कौन कौन सी वस्तुएं हैं। बेसिकली हम लोग 40 साल से चूल्हे बना रहे हैं, और अभी लास्टली हमने पिछले 4-5 साल से प्रेशर कुकर, हीटर, केटल, चॉपर्स और लाइटर्स भी बनाने शुरू किए हैं। सर, चूल्हा तो ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। घर में चूल्हा है तो भोजन पकेगा तो एनर्जी आएगी, ताकत आएगी। तो चूल्हा धीरे, जब पहले बनती थी वो अलग प्रकार का बनता, अब तो वैरायटी आ गई और लोग भी चाहते हैं थोड़ा क्लासिकल हो। तो सर, ऐसा कुछ बताइए कि यहाँ आप ऐसा कुछ बना रहे हैं। हमारे पास जितने भी लेटेस्ट मॉडल्स हैं वो सब उपलब्ध हैं, और सिर्फ लेटेस्ट मॉडल्स अपने डिज़ाइन में लेटेस्ट होने के बावजूद उसके अंदर जो एक USP है वो ये कि गृहिणी जो है वो हमारे साथ हमारे चूल्हे पे रोटी बनाने के साथ अपने सिलेंडर के पैसे भी बचा सकती है, क्योंकि हमारी जो थर्मल एफिशिएंसी है वो मिनिमम टू मिनिमम 68% से 70% आती है। प्लस हमारे पास एक 74% थर्मल एफिशिएंसी वाला भी चूल्हा है, जिसमें कि PCRA जो कि पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन के हिसाब से, LERC के हिसाब से, उस चूल्हे को यूज़ करने से कम साल में एक सिलेंडर की बचत होती है। सर, जैसा आप बता रहे हैं सनटेक कंपनी जो चूल्हा बना रही है उससे गैस की बचत होती है, राइट सर? तो सनटेक जो कंपनी बना रही है, तो ये कंपनी जो गैस बना रही है, गैस के चूल्हे बना रही है, इससे आपके गैस का जो बचत होता है, और सर के हिसाब से साल में एक सिलेंडर का बचत होता है। सर, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और मुझे लग रहा है कि हर कोई यूज करेगा ही, क्योंकि एक सिलेंडर बहुत मायने रखता है। सर, इसके अलावा जो जैसे और प्रोडक्ट हैं जिस जो आपने बताया, उस बारे में कुछ एक बार वापस बता। हमारे पास प्रेशर कुकर जो है उस पर हम 5 साल की वारंटी देते हैं, और हम अपने प्रोडक्ट पे, चाहे वो चूल्हा हो, प्रेशर कुकर हो, हीटर हो, केटल हो, पंखा हो, हर चीज़ पे हम लोगों इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, हमें मालूम है कि उसके अंदर कोई कंप्लेंट नहीं आती और कोई रेपुटेशन कंप्लेंट की नहीं आती। बाकी फिर भी हमने टोल फ्री नंबर दिया हुआ है ताकि कस्टमर डायरेक्ट हमारे से टच में आए, और डायरेक्ट हमारे से टच में आने के बाद विद इन 72 वर्किंग आवर्स उसको सर्विस मिले और कस्टमर को सेटिस्फैक्शन हो। मैं चाहता हूँ सर, आपके साथ जो खड़े हैं उनके बारे में बताइए। जी, हम लोग तीनों ओनर्स हैं कंपनी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज़ के। ये मेरे छोटे भाई साहब वरुण जी हैं, मैं असीम मल्होत्रा, और ये आदित्य मल्होत्रा। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, सर ने तो बहुत कुछ बताया है, आप ये पूरी कंपनी में किस प्रकार का रोल अदा करते हैं? मैं मार्केटिंग का रोल अदा करता हूँ, मेरा काम मार्केटिंग का है। हम तीनों ने अपने अपने पोर्टफोलियो बांटे हुए हैं, मैं मार्केटिंग करता हूँ, ये सेल्स देखते हैं, वो प्रोडक्शन देखते हैं। सर, मार्केटिंग की बात मैं करना चाहूँगा, किस प्रकार की सर, ये आप डायरेक्ट कस्टमर तक जा रहे हैं या होलसेलर तक जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं? कुछ पोर्टल्स हैं जिनके थ्रू हमें लीड्स आती हैं, मैं उन पर कॉल करता हूं, उनसे बात करता हूं, उनसे पता चलता है कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, फिर उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, फिर एक टीम है मार्केटिंग की मेरे पास जिसको मैं फॉरवर्ड करता हूं, फिर वो उसको आगे फॉलो ऑन करती है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार का रोल आप अदा करते हैं? मैं प्रोडक्शन देखता हूं मेनली, और प्रोडक्शन में मेरा फोकस ये रहता है कि हर घर में एक ही गैस स्टोव जाना है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि किसी भी घर में ऐसा चूल्हा नहीं जाना चाहिए जिसकी वजह से घर में कोई प्रॉब्लम हो सके, तो मेरा फोकस मेनली उसी पे रहता है। सर, ये जानना चाहूँगा, आप प्रोडक्शन में हैं इसलिए ये भी पूछ लूँ मैं, कोविड के बाद सर किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है या लेवल टू लेवल? कोविड के बाद हमें थोड़ा सा बेनिफिट मिला मोदी जी के कारण। मोदी जी ने इसमें जो मेक इन इंडिया करा और उज्ज्वला स्कीम निकाली, उसकी वजह से हमें काफ़ी बेनिफिट मिला, और लोगों का फोकस चाइना से हट के अब इंडिया में आ गया। लोगों को समझ आ गया कि इंडियन प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है और चाइनीज़ प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है। चाइनीज़ प्रोडक्ट चलता है थोड़ी देर टाइम तक,
इंडियन क्वालिटी जो है वो लंबे अरसे के लिए आपके काम आती है। सर ये तो बहुत बड़ी बात है, मोदी जी ने कहा था कि भारत में उपयोग आने वाली चीज़ें का इस्तेमाल करना चाहिए और इसका फ़ायदा हुआ ये जान के मुझे भी खुशी हुई है। सर चाइना का वस्तु आते थे, मैं आपसे जानना चाहूँगा चाइना की वस्तु आती थी और आपकी जो है होम प्रोडक्ट जो यहाँ की इंडियन मेड जो बनी हुई है, सर क्या फ़र्क है, क्यों उनका मटेरियल लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते थे? क्योंकि वो सस्ता होता था तो लोग सस्ते को पीछे ज़्यादा भागते थे, लेकिन आज जब लोगों को पता चला है कि सस्ता ही सब कुछ नहीं होता, जो बाकी इंपोर्ट होने वाले या बाकी यहाँ पे भी कम क्वालिटी के बनने वाले चूल्हे होते हैं उनकी लाइफ साल डेढ़ साल दो साल होती है, उसमें आदमी एक बार तो खरीद लेता है कि सस्ता है, लेकिन उसके ऊपर कितनी गैस वो फालतू लगा देता है या उसको हर दो साल बाद रिपीट माल खरीदना पड़ता है तो उसका खर्चा ज़्यादा होता है। तो अगर वो कहते हैं कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, तो आप एक बार अगर थोड़ी सी तकलीफ है कि महंगा प्रोडक्ट लें, सिर्फ महंगा नहीं क्वालिटी को चेक करके लें, उसके बहुत बेनिफिट होते हैं इन द लॉन्ग रन। सर का बोलने का मेन मकसद है कि क्वालिटी बहुत मायने रखती है, सिर्फ कीमत ही नहीं क्वालिटी भी मायने रखती है इसके लिए, राइट सर? जी एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच। जो कस्टमर्स हैं जो डायरेक्ट हमारा माल लेना चाहते हैं, सनटेक्स ब्रांड हमारा, सूर्या ग्रीन ब्रांड हमारा, या कोई भी हमारा अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर डायरेक्ट कस्टमर के लिए अवेलेबल है, और B2B के लिए उड़ान के ऊपर भी ई कॉमर्स पे अवेलेबल है। अदरवाइज़ हम लोग ऑफलाइन सब जगह कनेक्टेड हैं, आप गूगल भी करेंगे तो हमारा नंबर मिल जाएगा। हम लोग कस्टमर से अपने B2B वाले कस्टमर से डायरेक्ट टच में रहने की कोशिश करते हैं। हमारे मार्केटिंग टीम वाले हैं वो सिर्फ कस्टमर को पकड़ के हमारे पास ज़रूर लाते हैं, लेकिन क्योंकि ये चीज़ वैल्यू रखती है कि हम खुद अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े रहें। सर आप तीनों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, आप तीनों भारतीय प्रोडक्ट बना रहे हैं और इसमें तरक्की करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।